अंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। हम आपको बता दें, सरकारी गाइडलाइंस की अगर हम बात करें या कोविड-19 की मानकों की बात करें तो इस साल मूर्ति विसर्जन पर रोक लगी हुई है। जो लोग घरों में गणपति जी की पूजा रखते हैं, जब वो यहाँ पर आते हैं तो जो पुलिस वाले यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात हैं उनको वापस भेज देते हैं। ऐसे में जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनमें काफ़ी नाराज़गी भी दिखी। अनंत चतुर्दशी के साथ ही आज देश भर में गणेश उत्सव का समापन हो गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन लोग अपने घरों में लाए गणपति बप्पा को अलविदा करते हुए विसर्जन करते हैं तथा अगले साल जल्दी आने की प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक वर्ष इस त्यौहार की धूम देश के लगभग हर कोने में दिखाई देती है, मगर इस बार कोरोना के कारण लोग धूमधाम से बप्पा को आने का जश्न भी नहीं मना पाए थे, तो वहीं आज विसर्जन के समय भी वो रौनक नहीं दिखाई दी जो हर साल भक्तों की आंखों में दिखाई देती थी। जी हां, इस बार कोरोना के कारण लोगों ने गणपति बप्पा को फीकी विदाई दी, तो वहीं इस दौरान लोगों ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे। तो आइए जानते हैं लखनऊ में किस तरीके से लोगों ने बप्पा का विसर्जन किया। विसर्जन के लिए यही कह रहे हैं कि अलाउ ही नहीं है बिल्कुल भी, और बस पता नहीं क्या रूल्स हैं, अब उनके खिलाफ जा नहीं सकते। ऐसे में जब आप गणपति जी यहाँ घाट पे नहीं विसर्जन कर पा रही हैं जी, तो आगे क्या विचार हैं, कहाँ पे विसर्जन किए जाएंगे? सर, हम इनको दोबारा घर ले जाएंगे, घर पे ही सर हम इनको एक टब में विसर्जित करके इनकी फिर जो मिट्टी है फिर हम उसको अपने गमलों में डालेंगे। कम से कम गणपति जी हमारे साथ रहेंगे, इसी बहाने क्योंकि अलाउड तो है नहीं सर, स्ट्रिक्टनेस है कोरोना की वजह से। इससे ये पता लग गया कि कोरोना ये मतलब ऐसी बीमारी आई है कि मतलब भगवान भी इससे अछूता नहीं रहा है, भगवान को भी एक तरीके से जकड़ लिया है भगवान। पुलिस मना कर रही है विसर्जन करने से। क्यों मना कर रही है, आपने पूछा उनसे? वो कह रहे हैं प्रशासन की मनाही है। ऐसे में जब यहाँ विसर्जन करने को नहीं मिल रहा तो आप गणपति जी को कहाँ पर विसर्जित करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा, करें क्या हम लोग, अब कहाँ ले जाएं कहाँ ना ले जाएं। यही सही था तो उनको गणेश जी की मूर्ति बेचने पर रोक लगाना चाहिए था, ना कोई गणेश जी की मूर्ति खरीदता ना तो क्या नाम है विसर्जन की दिक्कत होती आदमी को। अगर इतना ही रोक लगाना था गणेश जी की जितनी दुकानें थी जहाँ मूर्तियाँ मिलती थी उनको पहले रोक लगा देनी चाहिए थी प्रशासन को, ना तो हम लोग कोई लोग मूर्ति खरीदते और ना तो ये सब दुनिया का क्या नाम है हम लोग को करना पड़ता, इधर भागो। जब रोक ही लगाना तो पूरी तरह रोक लगानी चाहिए थी। क्या भगवान का हम कहाँ लेके गणेश महाराज का जाएं, हैं? हम इनका तो कर दे विसर्जन तो कर ही लेने दीजिए सर, अब कहाँ लेके जाएं, लेने उनको घूम रहे हैं, अब लेके कहाँ जाएं, कहीं भी हमें विसर्जन कर लेने दीजिए सर। कोई अब इतनी दूर आए हैं, कहीं भी हमें कर लेने दीजिए, भगवान भटक रहे हैं उनके पीछे हम लोग भी भटक रहे हैं, या तो बिल्कुल पहले से मना कर देते अब लोग तो फिर हम लोग वही नहीं करते। जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि जब वो पूजा रखी है तो गणेश जी को विसर्जित तो करना ही है, तो अगर गणेश जी की मूर्ति यहाँ ना विसर्जित करें तो फिर कहाँ पर विसर्जित करें। देश प्रतिदिन के लिए लखनऊ से कुंदन सिंह।